this monastery and I'll take you guys with me. Thank you.
सरजमीन हिंदुस्तान तेरे उन जानिसारों जाबाजों शहीदों और मुहाफिजों को सलाम है, सलाम है, सलाम है, जिन्होंने अपनी बहादुरी की कलम से फतेह की एक और बेमिसाल तारीख लिख दी। गवाह है आज भी कारगिल की वो बुलंद चोटियां जिनको तुमने अपने लहू से सींच कर तिरंगे की आन पान और शान को रोशन कर दिया। ए मेरे वतन, मुझे तेरी कसम, हम अपना फर्ज निभाएंगे। विशाल हिमालय की मीलों दूर तक फैली हुई पहाड़ियां श्रीनगर के पूर्व में और लद्दाख की पश्चिम दिशा की ओर एक सुंदर और शांत गांव है जिसे चारों तरफ बर्फ की ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा होने के कारण खार यानी किला और किल यानी केंद्र कार किल के नाम से जाना जाता है। सन 1999 और अचानक पूरी दुनिया ने चौंक कर इस तरफ देखा। किसी आभास के भारत की सीमा पार करते हुए कारगिल पर फौज बैठाकर अपना कब्जा जमा लिया। इरादा था कश्मीर और लद्दाख को जोड़ती कड़ी को तोड़ना। देखते ही देखते द्रास सेक्टर के निचले मुश्को घाटी मारपोला रिज लाइन कारगिल के आसपास काक्सर बटालिक सेक्टर चोर बाटला सेक्टर और सियाचिन के दक्षिण में तुर्तुक सेक्टर पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। 3 मई 1999 ऊंची पहाड़ियों पर पशुओं को चराते चरवाहों ने बटालिक सेक्टर में कुछ संदिग्ध लोगों को बंकर खोदते देखा। चरवाहों के मुखिया ताशी नामग्याल ने तुरंत इसकी सूचना भारत सेना को दी। सेना हरकत में आई और पेट्रोलिंग यूनिट ने उन बंकरों पर नजर रखना शुरू किया। मई 15 कैप्टन सौरभ कालिया की अगुवाई में निकली पेट्रोलिंग पार्टी इलाके में पहरा देते हुए बड़े रहस्यमय ढंग से गायब हो गई। फिर जो बातें सामने आई वो चौंका देने वाली थी। मेरे मन में कोई संदेह नहीं है, हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। उन्होंने देश की तीनों सेनाओं को बगैर एक पल गवाए दुश्मन की गोली का जवाब गोलों से देने का आदेश सुनाया। तो भारतीय सेना ने तुरंत एक्शन लेते हुए युद्ध का ऐलान कर दिया। मिशन का नाम था ऑपरेशन विजय। दुश्मन बर्फ की चादर ओढ़ के छिपा है, सोचता है हमें दिखेगा नहीं, लेकिन उसे पता नहीं अब हमारी आंखें खुल चुकी है, हमने देख लिया है उसे। अब उसे देखना है हमारी बाप की इज्जत पर जो हाथ डालता है, उस हाथ को हम उसके कंधों से उखाड़ के फेंक देते हैं। भारत माता की जय। हर गुजरते दिन के साथ कारगिल की लड़ाई भयंकर रूप ले रही थी। यही समय था हिंदुस्तान को अपनी आर्टिलरी क्षमता दिखाने का मौका मिला और तब हमने निकाली भारतीय सेना की शान बोफोर्स। अब अगला लक्ष्य था 0.5140। 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स में कप्तान संजीव जामवाल ब्रावो कंपनी कमांडर और कैप्टन विक्रम बत्रा डेल्टा कंपनी कमांडर के तौर पर तैनात थे। लेफ्टिनेंट कर्नल वाई के जोशी तत्कालीन कमांडिंग ऑफिसर जिन्होंने 2018 में 14 कोर की कमान संभाली, इन दोनों को 0.5140 को जीत कर लाने का आदेश सुनाया। बी वॉर्न गाइस, 0.5140 रोलिंग रिज लाइन की सबसे ऊंची बेहद खतरनाक और ऑलमोस्ट इम्पेनिट्रेबल पहाड़ी है। यू नो गाइस, इट्स गोना बी वेरी वेरी टफ। टफ मेक्स इट इंटरेस्टिंग सर। नेशनल हाईवे से खतरा दूर करने के लिए उस पर कब्जा करना है ना, समझ लीजिए सर, हो गया। हम जीत की इस आस को जीत का इतिहास बनाकर लौटेंगे। एंड दैट्स अ प्रॉमिस सर। और लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा को धमकाया और उकसाया, लेकिन वीर विक्रम पर गीतड़ बमकियों का कभी असर नहीं होता था। लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा ने अपनी डेल्टा कंपनी के साथ दुर्गा माता की जय के जयकारों के साथ
बाकी बचे 5 बंकर पर हमला बोल दिया और अकेले ही दुश्मन के 4 सैनिकों को मार गिराया। सुबह 4:35 पर कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने कमांडिंग ऑफिसर को जीत का सक्सेस सिग्नल दिया, ये दिल मांगे मोर। उसकी बहादुरी ने भारतीय सैनिकों के मन में नया जोश भर दिया था। उसका नाम बदल कर रखा शेरशाह। जुलाई 1999 जनरल वीपी मलिक के अनुसार 0.4875 की लड़ाई कारगिल युद्ध में सबसे मुश्किल लड़ाइयों में से एक थी। 0.4875 कॉम्प्लेक्स को कैप्चर करने की जिम्मेदारी 79 माउंटेन ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर रमेश कक्कड़ को सौंपी गई। 79 माउंटेन ब्रिगेड के 13 जम्मू और कश्मीर, 17 जाट और 2 नागा ने इस लड़ाई में हिस्सा लिया। 13 जम्मू और कश्मीर के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल जोशी ने अपने चारों कंपनी कमांडर मेजर भास्कर, मेजर गुरप्रीत, मेजर एसएस जामवाल और मेजर विकास वोरा को ऑपरेशन के बारे में ब्रीफ किया। लुक हियर गाइस, दिस इज 0.4875, ये है पिंपल 2 और यहाँ फ्लैट टॉप। चारों तरफ से दुश्मन घात लगाकर बैठा है। वो जानता है कि कुछ ही घंटों में उसका खेल खत्म होने वाला है। So they are going to play dirty. Dirty as in, na koi deen, na koi iman, with absolutely no scruples. Kisi bhi tarike se dushman sirf aur sirf hame rokna chahta hai. Bas. Permission to speak, sir. Bolo, Major Gurpreet. Dushman chahe jaisa bhi ho, sir. This is the Indian Army. Na hum rukte hai, na kabhi jhukte hai. Great. And you, Major Vikas Vora? I concur, sir. Let's wipe these bugs out of our homes, sir. 4 जुलाई 2100 आवर्स 13 जम्मू और कश्मीर राइफल ने दोबारा हमला बोल दिया। मेजर भास्कर की अगुवाई में चार्ली कंपनी 5 जुलाई की सुबह 4:30 तक दुश्मन से 200 मीटर के दायरे में पहुंच गई। अचानक दुश्मन को हमारी गतिविधि की भनक लगी और उसने 0.4875 पिंपल 2 और एरिया फ्लैग टॉप से अंधाधुंध फायर खोल दिया। सुबह हो चुकी थी, दुश्मन के 2 बंकर करारा फायर बरसा रहे थे। उन्हीं बंकर को बर्बाद करने की कोशिश में सूबेदार रमेश चंद और राइफलमैन नरेंद्र शहीद हुए। लगा आगे बढ़ना शायद नामुमकिन है। मेजर गुरप्रीत ने इन हालातों की जानकारी अपने कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल वाई के जोशी को दी। अपनी जान की परवाह किए बगैर दुश्मन के फायर का सामना करते हुए खुद लेफ्टिनेंट कर्नल वाई के जोशी सुबह 10:30 चार्ली कंपनी की लोकेशन पर पहुंच चुके थे। उन्होंने सबसे पहले फायरिंग बेस से 2 बेहद सटीक मिसाइल दागे और दुश्मन के 2 बंकरों को तबाह कर दिया। इसके बाद ही चार्ली कंपनी के लिए सकुशल निकल पाना संभव था। चार्ली कंपनी को स्काउट के तौर पर लीड कर रहे थे राइफल मैन श्याम सिंह। दुश्मन ने अचानक फायर खोल दिया, बंदूक की बेयोनेट से 2 पाकिस्तानी फौजियों को बींद दिया और उनके खत्म होने के बाद अपने प्राण त्याग दिए। इस वीर बलिदान के लिए राइफल मैन श्याम सिंह को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। अपनी मातृभूमि की अस्मिता कायम रखने के लिए कभी कभी अपने खून का चोला बनाकर माँ के सर पर उड़ाना पड़ता है। ये लड़ाई 36 घंटों तक चलती रही। इस टुकड़ी का अब एमिनेशन भी खत्म होने लगा था, लेकिन जोश में कोई कमी नहीं थी। अब दुश्मन हमारी टुकड़ी पर लगातार ग्रेनेड बरसा रहा था, लेकिन हमारे जाबाज बिना हिम्मत हारे उन्हीं ग्रेनेड को उठाकर दुश्मन के बंकर पर फेंक कर उन्हें बर्बाद कर रहे थे। इस लड़ाई के दौरान 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स, 2 नागा और 18 गढ़वाल राइफल्स ने मिलकर दुश्मन के 71 हथियारों पर कब्जा किया। 4 जुलाई की रात हमने एक साथ कई आक्रमण किए। एरिया वेल बैंक को पहले चरण में ही आजाद कर चुके थे। अब बारी थी पिंपल 1, पिंपल 2 और ट्विन बम्स को आजाद करवाने की। भारत माँ से प्रेम और उस माँ के स्वाभिमान को जो सर माथे पर रखे वही देश का सच्चा सिपाही कहलाता है। और ऐसा ही एक और अत्यंत साहसी और सच्चा सिपाही उस रात कारगिल युद्ध में उभर कर सामने आया, कैप्टन
रेंज नैयर। चार्ट रेंज 8 जुलाई को पिंपल टू भी हमारे कब्जे में था। 10 जुलाई को सारा इलाका भारत के कब्जे में था। मशको घाटी में हाईवे पर मंडराता खतरा समाप्त हो गया और दुश्मन को शर्मनाक स्थिति में 26 जुलाई तक वापस जाने को मजबूर होना पड़ा। भारतीय फौज की अनेक पलटनों ने मिलकर किसी निपुण और दक्ष टीम की तरह पूरे समन्वय के साथ ये बेहतरीन जीत हासिल की। सिर्फ और सिर्फ अपनी देशभक्ति की भावना, अथाह शौर्य और अपनी देश भूमि से अगाध प्रेम के चलते ये विजय प्राप्त हुई। वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 2006 में लेह युद्ध स्मारक की स्थापना की गई। स्मारक में चहुओं स्वर्णिम अक्षरों में हर शहीद का नाम अंकित है। इस युद्ध में मिली जीत का श्रेय हर उस ऑफिसर और हर उस जवान को जाता है जिसने अपनी धर्म और जाति से ऊपर उठकर सिर्फ अपने देश, अपनी मातृभूमि की प्रतिष्ठा के लिए ये युद्ध लड़ा और अपने देशवासियों के नाम एक अमर संदेश छोड़ गए। विश्वास दिलाए कि जो सिपाही देश के लिए अपनी जान दे गया है उसकी खातिर भारत माँ के चरणों में श्रद्धा के दीप जलाए जाएंगे। विश्वास दिलाए कि जब तक सांस में सांस है कारगिल के योद्धाओं को हमेशा हमेशा इसी तरह याद किया जाएगा। After watching this show, please like, share, subscribe. काश कितने भी जवान शहीद हुए हों वो अपने बच्चों को ये सारी शिक्षा देने के लिए ज़िंदा होते एंड उनको सिखाते कि काश 300 सोल्जर्स और उसमें कितने बड़े बड़े भी This was my trip to Ladakh and so many of you wanted to know my trip expenses, how did I book it and all the experiences I have. So I will make my next video regarding my trip and with some weird and funny photos. So if you want to watch that video, kindly subscribe to my channel and hit the bell icon. Bye bye you guys.